Happy birthday, dear Shivani. Happy birthday. Hi everyone, welcome back to my channel. और आज मेरा बर्थडे है, तो मैं बर्थडे में कैसे रेडी हुई हूँ ये मैंने आपको मेकअप लुक दिखाया है अपना, तो ये मेरा मेकअप लुक है. अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें. सो या गाइस, मेकअप करने से पहले हम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हम करेंगे वो हम करेंगे अपने फेस को मॉइस्चराइज अच्छे तरीके से. और मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइज़र, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ नेल्फ का प्राइमर. और प्राइमर हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाएँ और उनके अंदर फाउंडेशन ना जाए, हमारा मेकअप ना जाए. और उसके बाद हम अपने लिप्स को हाइड्रेट कर लेंगे. तो अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैं मेबलिन का लिप बाम. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन जो कि है वेट एंड वाइल्ड का, और उसको मैं ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई कर रही हूँ. और उसके बाद मैं उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर का. और सो फाउंडेशन को अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे. उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं कंसीलर. तो कंसीलर हम इसलिए यूज़ करते हैं जो हमारे डार्क स्पॉट्स या एक्ने या हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उन्हें छिपाने के लिए हम कंसीलर का यूज़ करते हैं. और हमारे जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम हाईलाइट करने के लिए कंसीलर का यूज़ करते हैं. उसके बाद हम अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. सो फाउंडेशन एंड कंसीलर को हम अच्छी तरीके से सेट करने के लिए यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर. और मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर लैक्मे का. और ब्रश की हेल्प से मैं अच्छी तरीके से पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लूँगी. देन उसके बाद हम आएंगे अपनी आईब्रोज पे. तो आईब्रोज फिल कर रही हूँ मैं एक एंगल्ड ब्रश के साथ. आईब्रोज फिल करने के बाद मैं उसे आईब्रो ब्रश के साथ उसको ब्रश कर लूँगी, जिससे कि एक्स्ट्रा पाउडर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा आईब्रोज में से और एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट आएगा आईब्रोज पे. एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी की रीमास्टर्ड पैलेट. और उसके बाद मैंने उसमें से जो शेड लिया है वो लाइट सा है, बिल्कुल स्किन कलर से मैच. देन उसके बाद मैंने लाइट सा ऑरेंज शेड लेके अपने आईलिड पे अप्लाई किया है उसी पैलेट में से. दिखा दो आप भी कैसे लगा रहे हो लिपस्टिक, कम ऑन इधर दिखाओ शीशे में. तो आज के आपको पूरे मेकअप लुक में आपको मेरे साथ नायरा दिखने वाली है, क्योंकि वो बहुत तंग कर रही थी तो मुझे करने नहीं दे रही थी, तो मैंने उसको अपने साथ ही बैठा लिया, वो बाहर टिक नहीं रही थी. सो आज वो पूरा मेकअप लुक मेरे साथ दिखाएगी कि वो कैसे कर रही है. सो उसके बाद मैंने कलर एसेंस की जो पैलेट है आई शेडो वाली, उसमें से मैंने ग्रीन कलर पिक करके मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया है. ये क्या करा है? तो मैं क्लीन सा क्रीज लाइन लुक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लगा रही हूँ कंसीलर. और कंसीलर को मैं फ्लैट ब्रश के साथ अप्लाई कर लूँगी. और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी गोल्डन कलर, जो कि कलर एसेंस की पैलेट में से ही लूंगी मैं. सो मैंने कंसीलर अप्लाई करने के बाद गोल्डन कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ. तो मैंने सबसे पहले हुडा ब्यूटी की पैलेट में से लिया गोल्डन कलर, बट वो मुझे वैसा वाला शेड नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था. वो बहुत लाइट लग रहा था, नेचुरल सा लग रहा था, तो मेरे को थोड़ा डार्क गोल्डन चाहिए था. तो मैंने कलर एसेंस की पैलेट में से लिया, उसमें दो शेड थे गोल्डन के, एक थोड़ा सा डार्क और एक थोड़ा सा लाइट. तो मैंने उन दोनों कलर को मिक्स करके मैंने गोल्डन कलर अप्लाई किया. और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर और अप्लाई किया, थोड़ा सा डार्क शेड दिया मैंने. और उसके बाद मैं लगा रही हूँ आईलाइनर. तो आईलाइनर मैं लगा रही हूँ वेगा के ब्रश के साथ. आईलाइनर लगाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वाला विंग नहीं बना रही हूँ, मैं छोटा सा विंग मैंने बनाया है जो कि क्यूट लगे. और मैंने वेगा के ब्रश के साथ लगाया, इससे लगाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा. मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया वैसे इसके साथ, मैं हमेशा नहीं तो जो आईलाइनर के साथ जो ब्रश आता है उसी के साथ अप्लाई कर लेती थी, बट मैंने इससे फ़र्स्ट टाइम लगाया और मुझे बहुत अच्छा लगा. और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर. हाईलाइट मतलब आईब्रोज के नीचे जो हम हाईलाइट करते हैं, तो उसके लिए मैंने कलर एसेंस की पैलेट में से ही मैंने थोड़ा सा जो सिल्वर वाला शेड था मैंने वो लगा लिया. ये
यहाँ पे मैंने सिवाना कलर्स की पैलेट ली है जो कि मैं उससे कॉन्टोर कर रही हूँ। एंड सॉरी मैं अपना मस्कारा लगाना भूल गई थी, वैसे तो मैं घर पे ही थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा वो भी नहीं करा, मुझे बाद में याद आया तो। बट अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मस्कारा लगा लें। एक तो नायरा मुझे बहुत तंग कर रही थी तो इस वजह से मेरा ध्यान थोड़ा सा उसमें जा रहा था, तो इसलिए मैं स्किप हो गया मेरा वो दिमाग से। और उसके बाद मैंने काजल अप्लाई कर लिया है और काजल को मैं स्मच कर लूंगी थोड़ा सा ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ पे मैंने ब्लश करने के लिए सिवाना कलर्स की पैलेट यूज करी है और मैंने टू कलर्स को मिक्स करके मैंने लगा रही हूँ। उसके बाद मैं हाइलाइटर के लिए सिवाना कलर्स की पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ, जो मैं अपने चीक बोन्स पे अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, और नोज़ पे मतलब जो हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, जो जैसे चीक बोन्स हो गया, नोज़ हो गया और फोरहेड हो गया, लिप्स के ऊपर थोड़ा सा, तो वहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटिंग करने से ये होता है कि हमारा फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई लगता है। तो यहाँ पे जो मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ वो है नेल्स के लिपस्टिक और ये वाटर प्रूफ लिपस्टिक है। बेटे तो मैंने यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं करी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि नायरा कितना तंग करती है मुझे मेकअप लुक क्रिएट करने में या कोई भी काम करने में, इसी वजह से मैं वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कुर्ते से मैचिंग मैंने बिंदी अप्लाई कर ली है ग्रीन कलर की, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं लगाना चाहते तो। और उसके बाद मैंने इयररिंग्स पहन ली हैं और उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी ऐसी नॉर्मल सी हेयर स्टाइल बना लूंगी। बैठ जा अम्मा, बैठ जा। अरे बैठ ना बेटे, बैठ। मम्मी मेकअप मेकअप मम्मा ने कर लिया, अब आप कर लो। मम्मी मेकअप मम्मी मेकअप मम्मी मेकअप तो दे तो दिया बेटे मेकअप। मम्मी मेकअप ओ भगवान, क्या चाहिए वो मेकअप? ये सो यार ये मेरा सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट हो चुका है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरा बर्थडे गिफ्ट अगर आपको देना है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें मेरी हर एक वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।